स्टार्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया है और सोशल मीडिया पर वो इंटरव्यू हर जगह वायरल हो रहा है। आपको क्या लगता है चुनावी मौसम में निजी जीवन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बताया है अक्षय कुमार के जरिए वो सही है? सर, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि इनका जो ये इंटरव्यू था मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग था कि कोई एकदम से एक्टर आके प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर का सॉरी इंटरव्यू ले रहा है। और दूसरी बात ये कि हाँ, मुझे एक तरह से लग रहा है कि एक पब्लिक रिव्यू टाइप है कि हम अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसी लाइफ जीता हूँ। और मींस इलेक्शन का टाइम है तो थोड़ा सा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के कुछ ना कुछ बताना, ये एक तरह से मेरे को स्ट्रेटेजी का लुक दे रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो प्रधानमंत्री ने अपने बारे में बताया, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बताया, वो फ़ायदेमंद होगा इन चुनावी नतीजों के लिए? सर, अगर इफ़ेक्टिव रहा तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी है दूसरों के लिए कि हर टाइम अपने बारे में ही वो इतना बढ़ चढ़ के बता रहे हैं या अपना जो भी अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर वो इस वे में बताते कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है एज एन पीएम, मैंने कहाँ कहाँ गया हूँ, क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो आम लोगों को नहीं पता है, बट लोगों को ये पता है कि हाँ, पीएम मोदी बहुत जगह गए हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत और देशों से भी बात की है। लेकिन अगर वो अपने ये भी बताते कि 5 सालों में मैंने क्या क्या काम किया है तो वो हम लोगों के लिए और इफ़ेक्टिव रहती। जी सही तो है, पर जो वैलिड क्वेश्चन पूछने चाहिए थे मुझे लगा नहीं वो पूछे गए। मोदी जी के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रूर पूछा गया जो हमें जानने की हमें जानना ज़रूर था, पर हमें ये इलेक्शन में ये ज़रूर जानना है कि हमारे देश के बारे में क्या होता है और क्या आगे मोदी जी करने वाले हैं और क्या किया है। मुझे लगा कि शायद से मोदी जी ने ये इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं, ना अक्षय कुमार जी ने पूछा। जी सही है, क्योंकि चुनावी माहौल है और जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री जी के इंटरव्यू आए हैं वो सारे पॉलिटिकल उस पे थे, एस्पेक्ट पे, और सारे मतलब हार्डकोर इंटरव्यू जिन्हें हम जर्नलिज्म में कहते हैं वो थे। और ये पहला इंटरव्यू आया है जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर पे था, उनकी निजी ज़िंदगी से रिलेटेड था, और ये एक ऐसे मुद्दे थे जो कि लोग वाकई में जानना चाहते थे कि वह इतने बड़े परिवार को बिलोंग करते हैं, मतलब कि उनके परिवार में इतने सारे सदस्य हैं, तो फिर भी प्रधानमंत्री होते हुए भी उनकी जो माँ है वो वहाँ पे ऑटो में घूमती है, तो ऐसा क्यों है कि वह उनको अपने साथ दिल्ली में क्यों नहीं रखते हैं। तो इस पर उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि मैं बहुत ही छोटी उम्र में अपने फैमिली के उससे डिटैच हो गया था, तो मैं उन्हें जब दिल्ली लाया भी था तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो लेकिन मेरा यहाँ क्या काम है, क्योंकि तुम मुझे समय तो दे नहीं पाते, इससे अच्छा मैं वही बेहतर हूँ, वहाँ मेरे को लोग पूछते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए ऐसे कई सारे जो पहलू थे उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड वो बाहर आए हैं, तो लोगों के कई सारे ऐसे जवाब सवालों का उन्हें जवाब मिला है। ये कह भी सकते हैं कि एक इलेक्शन स्ट्रेटजी भी हो सकती है, प्रमोशनल इंटरव्यू बोल सकते हैं इसको, कि लाइक उसमें ये दिखाया गया है कि एक पीएम इतना काम करता है तो उसके बाद उसकी निजी ज़िंदगी, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करी गई है। बट हाँ, इसमें ये होता है कि अगर किसी रिपोर्ट किसी फिल्म स्टार के अलावा अगर किसी रिपोर्टर से इंटरव्यू लेते तो ज़्यादा बेटर होता है ये। We'll be right back.